सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। रिमझिम बारिश के बीच मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की खबर से, जहां जोधपुर से एक हत्याकांड की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर शवों को जला दिया गया। इस आरोप में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है जो कि पीड़ित परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जोधपुर के करीब 100 किलोमीटर दूर ओसिया में एक निर्मम हत्या से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। ओसिया के पास एक गांव चौराई में ढाणी में सो रहे एक दंपत्ति, उनकी बहू और 6 महीने की नन्ही सी नथनी की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हत्यारे ने शव को आंगन में घसीटकर जलाने का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे। मौके पे पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में अलग अलग टीमें बनाई। फिलहाल परिवार के एक ही युवक पप्पू को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो मृतक का भतीजा है, और बताया जा रहा है कि परिवारों में जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण उसने इनकी हत्या की। जिस परिवार में मृत्यु हुई है उन्हीं के परिवार में जो रिश्तेदार हैं और उनके ताऊ के लड़का जो पप्पू राम है उसे अभी हमने डिटेन किया है और उससे अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। मर्डर वेपन उससे बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल आरोप साबित करने के लिए पुलिस एफएसएल और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को ढूंढने के बाद आगे बढ़ेगी। जोधपुर से मुकुल परिहार के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां बड़ा हादसा हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड शामिल हैं। 6 मजदूर झुलस गए, उनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चमोली पहुंचे। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक छोटा पुल है जिसकी लोहे की रेलिंग में करंट उतर आया और 16 लोगों की झुलस कर मौत हो गई। तस्वीर उसी पुल की। हादसे में 7 स्थानीय लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है। प्रशासन के मुताबिक पहले एक चौकीदार की करंट लगने से मौत हुई। इसके बाद मौके का मुआयना करने गई पुलिस की टीम और कुछ स्थानीय लोग भी करंट की चपेट में आ गए। चमोली में पीपल कोटी में नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रोजेक्ट का काम चल रही है। तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उस पर। अभी तक की सूचना में है 15 लोगों का मृत्यु होने का सूचना मिल रहा है और उन अविधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है इसमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ितों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे की घोषणा भी की है। जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। इस पूरे हादसे के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। उनका कहना है कि गलती ऊर्जा विभाग की है, क्योंकि जब चौकीदार की करंट लगने से मौत हुई तो उसके बाद बिजली क्यों नहीं काटी गई। अगर बिजली काट दी गई होती तो पुलिस वाले और स्थानीय लोग करंट की चपेट में आकर नहीं मरते। फिलहाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए दिल्ली की बात करते हैं, जहां ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जिनका रोजाना चालान होता है। और ऐसे लाखों लोगों की संख्या है जिनका चालान पर चालान हो रहा है लेकिन वो इसे भरने के लिए नहीं आते हैं। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन पर कार्रवाई के लिए अलग अलग राज्यों को पत्र लिखा है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर दूसरी तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस रोज हजारों चालान करती है। चालान या तो पुलिस वाले खुद करते हैं या फिर सड़कों पर लगे कैमरों के जरिए होते हैं। ज़्यादातर लोग चालान भरते हैं लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके बरसों से चालान पर चालान हो रहे हैं लेकिन ये आज तक चालान भरने नहीं आए। हम लोगों ने जो अपना ही एक एक्सरसाइज करी और उस विश्लेषण के तहत पाया कि करीबन 1,65,000 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो
जिन्होंने 20 या 20 से ज्यादा वायलेशन किया है। ये चालान लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, लाल बत्ती या स्टॉप के संकेत पर नहीं रुकने, गलत लेन में चलने जैसे मामलों के हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 20,684 ऐसे वाहन हैं जिनके दिल्ली में 100 या उससे ज्यादा बार चालान हो चुके हैं, लेकिन इनके मालिकों ने आज तक जुर्माना नहीं भरा। 1,65,072 ऐसे वाहन हैं जिनका 20 से ज्यादा बार चालान हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी जुर्माना नहीं भरा। इस साल 30 जून तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 चालान हुए हैं। इनमें से 5,25,220 वाहनों के 2,21,56,496 चालान बकाया हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 67,42,448 बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं या फिर सस्पेंड किए जाएं या फिर कोई और कार्रवाई हो। वैसे इनमें से ज्यादातर गाड़ियां बाहर की हैं, वहां के महकमों को भी खत लिखे जा रहे हैं। हमने डेटा को फिल्टर किया है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ हमने शेयर किया है, और आगे भी हम जो विभिन्न राज्य हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर भी हम इस विषय को उठाएंगे, जिसमें कुछ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है रजिस्ट्रेशन से तहत, परमिट वायलेशन के तहत और जो लाइसेंस के तहत जो बनती है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं तो ये डेंजरस ड्राइविंग भी है और साथ के साथ परमिट कंडीशंस की वायलेशन भी है, और हम इसको जो है उपयुक्त स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब कह रही है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिनकी गाड़ियों के 100-100 चालान हो चुके हैं और बार बार नोटिस देने के बाद भी वो चालान भरने नहीं आए, ऐसे लोग और उनकी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस सड़कों के लिए खतरनाक मानती है। अब पुलिस उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में कड़ी कार्रवाई करवाने में लगी हुई है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार ने सड़क के बीचों बीच बैठे एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि टक्कर के बाद कार चालक ने कार रोकी और उतर कर देखा भी। वहां किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर कार चालक सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। और 2002 के गुजरात दंगों में सबूत गढ़ने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत पर रिहा कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने इसी के साथ ही गुजरात सरकार और हाईकोर्ट पर सवाल भी उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात सरकार के तमाम विरोध के बावजूद 2002 के दंगों में झूठे सबूत जुटाने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में सबूत दस्तावेजी हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। तीस्ता गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, पासपोर्ट सरेंडर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ये फैसला बहुत ही विकृत और विरोधाभासी है। हाई कोर्ट को ऐसा निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट की दलील मान लें तो आरोपियों को जमानत लेना मुश्किल हो जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर भी सवाल दागे। कोर्ट ने पूछा अभी तक आपने इस मामले में क्या जाँच की, आपको तीस्ता की हिरासत किस उद्देश्य के लिए चाहिए, बयान और सबूत की तुलना नहीं हो सकती। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई के बाद तीस्ता को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि आखिरकार बिना जांच और सबूत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर तीस्ता को जमानत देने से इनकार क्यों किया गया। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में पुणे पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। एनआईए केस में फरार 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिखाएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के नाम दर्ज एक रिकॉर्ड भारत में टूटने जा रहा है। बस कुछ महीने इसके लिए इंतजार करना होगा। सूरत से हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 80 साल से दुनिया के सबसे बड़े दफ्तर का रिकॉर्ड पेंटागन के नाम है, लेकिन ये मशहूर इमारत अब इस पैमाने में दूसरे नंबर पर नजर आएगी। जल्द ही सूरत की एक बिल्डिंग पहले पायदान पर जगह बनाएगी। सूरत डायमंड बोर्ड्स 65,000 से ज्यादा हीरा पेशेवरों के लिए एक मुकम्मल ठिकाने के तौर पर पहचान बनाएगा। इनमें हीरे की कटाई और पॉलिश करने वालों के अलावा व्यापारी भी शामिल हैं। गुजरात ऐसे डायमंड बूस हब के तरीके से जाना जाता है। आज कट एंड पॉलिश का पूरा कारोबार सूरत में होता है, लेकिन उसका ट्रेडिंग मार्केट बॉम्बे के अंदर है। कारण के सूरत के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये बिल्डिंग के अंदर कम से कम 1,00,000 लोग काम कार्यरत रहेंगे और रोजगारी की तक भी बहुत बड़ी यहाँ क्रिएट होने वाली है। ये 3,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 15 मंजिली इमारत 35 एकड़ में फैली है। 9 आयताकार संरचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जमीन का दायरा 71,00,000 वर्ग फीट का है। मनोरंजन स्थल पार्किंग का क्षेत्र 20,00,000 वर्ग फीट का है। संगमरमर के फर्श, रोशनी से भरे क्षेत्र जहां 4,700 दफ्तर हैं, कामगारों के लिए खाने की जगह समेत कई सुविधाएं हैं। इमारत में 131 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। आधी इमारत प्राकृतिक तरीके से ठंडी रखी जाएगी। कॉमन एरिया का संचालन सौर ऊर्जा से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स की तारीफ करते हुए कहा, सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत के हीरा उद्योग की वृद्धि और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के उद्यमी जज्बे की गवाही है। ये कारोबार साझेदारी और प्रयोग के हब की तरह काम करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हीरा कारोबारियों का मानना है कि ये इमारत भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। यहाँ आने से बिजनेस को भी बहुत बड़ा फायदा हो, क्योंकि एवरीथिंग विल हैपन एक रूफ के अंदर। सो पूरा जो सिटी है, जो पहले जिस ट्रेडिंग नहीं होता था, खाली कटिंग पॉलिशिंग, अभी कटिंग पॉलिशिंग ग्रोइंग ट्रेडिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ, विच विल गिव ज्यादा एक बूस्ट देगा। उम्मीद है कि नवंबर महीने से इस इमारत में कामकाज शुरू हो जाएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। सूरत से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। NIA के केस में दो ऐसे आतंकी जो फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। अदालत में उन्हें पेश किया गया और 25 जुलाई तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। पुणे के कोथरूड पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो बाइक चोरी के शक में था, लेकिन दोनों निकले 5-5 लाख रुपए के फरार इनामी आतंकी। नाम है इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी। वो रतलाम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक केस दाखिल है, जो NIA ने चार्जशीट किया है, और उसमें वो दोनों आरोपी उसके अंदर वांटेड हैं। 5-5 लाख का रिवार्ड मनी उनके सर पे है। पुणे पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी के शक में कुल 3 संदिग्ध पकड़े गए थे, लेकिन जब पुलिस उनके घर की तलाशी लेने गई तो मौके का फायदा उठाकर एक भागने में कामयाब रहा। एक संशयित भाग गया, लेकिन बाकी दो हमारे कब्जे में थे। और हाउस सर्च के अंदर वहां पे एक खाली राउंड मिली, साथ में एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल चोरी करने के जो साहित्य मास्टर कीज होते हैं, 4 मोबाइल फोन्स, वो सीज किया गया। पुणे पुलिस ने अदालत को बताया कि संदिग्ध आतंकियों के पास से सफेद पाउडर मिला है, जिसकी फोरेंसिक जांच करानी है। इतना ही नहीं तो ड्रोन कैमरे के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वजन और तापमान मापने की मशीन भी मिली है। पुलिस अब ये पता करना चाहती है कि आखिर इनका इरादा क्या था। पुलिस की दलील पर अदालत ने दोनों आरोपियों को 25 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और दुनिया भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। यूरोप में हालात बिगड़ रहे हैं। आमतौर पर ठंडा रहने वाला यूरोप लू झेल रहा है। यूरोप में इस समय लोग दोपहर के समय अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ग्रीस के जंगलों में आग लगी है, जिसे बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन गर्मी की वजह से आग बुझाने में परेशानी सामने आ रही है। अब ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन और कई और देशों से मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, पोलैंड, रोमानिया, इसराइल जैसे देश मदद भेज रहे हैं। इटली और फ्रांस ने 2-2 फायर फाइटिंग विमान भेजे हैं। रोमानिया ने 30 फायर फाइटर भेजे। इसराइल भी 2 विमान भेज रहा है।
एथेंस के उत्तर पश्चिम में हालात सबसे खराब है, जहां आग बुझाने में 250 फायर फाइटर, 75 अग्निशमन गाड़ियां, 11 विमान और 9 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन ये भी काफी नहीं और लोग परेशान हैं। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन इसकी वजह है। ये तस्वीरें ग्रीस में एथेंस के पास मांड्रा के एक जंगल की आग बुझने के बाद की हैं। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में जले हुए पेड़, जली हुई जमीन और घर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कई इलाके हैं जहां आग बुझ नहीं रही है। बुधवार को जो लोग घरों को लौटे उन्हें फिर इवैक्यूएट करने को कहा गया। प्लेन और हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है। देश के सभी नागरिक सुरक्षा एजेंसियां इंफ्रास्ट्रक्चर, संपत्ति और प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए फ्रंटलाइन पर हैं। आने वाले दिन खतरनाक हैं, क्योंकि और जगहों पर आग लग सकती है और फैल सकती है। सभी ध्यान दें, ये जरूरी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों से मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, पोलैंड, रोमानिया, इजराइल जैसे देश मदद भेज रहे हैं। इटली और फ्रांस ने दो दो फायर फाइटिंग विमान भेजे हैं। रोमानिया ने 30 फायर फाइटर, इजराइल भी 2 विमान भेज रहा है। एथेंस के उत्तर पश्चिम में हालात सबसे खराब हैं, जहां आग बुझाने में 250 फायर फाइटर्स, 75 अग्निशमन गाड़ियां, 11 विमान और 9 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन ये भी काफी नहीं और लोग परेशान हैं। हालांकि गर्मियों में यहां आग कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार यूरोप में आए हीट वेव के कारण तापमान बार बार नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसके कारण आग बुझाना मुश्किल पड़ रहा है। यूरोप में ताजा हीट वेव जलवायु परिवर्तन का असर माना जा रहा है और ऐसे कई असर जैसे पहले से कहीं ज्यादा भयावह तूफान, बारिश, बाढ़ अलग अलग देशों में देखे जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहे NDTV इंडिया। नमस्कार।